हर शख्स यहाँ एक कहानी है और हर एक को हक है अपने आप को लिखने का। तो मैं अपने आप को लिख रहा हूँ वीडियो के थ्रू, आप लोगों से शेयर करूंगा वीडियो के थ्रू जो मेरी लाइफ है, जहाँ मैं जाता हूँ, जो मैं करता हूँ। मैंने अभी प्लान किया कि यार कुछ ना कुछ आप लोगों से जरूर शेयर करूँ जो मेरे पास फुटेज वगैरह रखी है। ये व्लॉग स्टार्ट होता है, मतलब कि मेरी कहानी ये जो व्लॉगिंग के थ्रू मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ, ये स्टार्ट है गड्डानी से। तो यार मैं और शेरा, मतलब कि हम जा रहे हैं गड्डानी और वहाँ करेंगे फोटोशूट वगैरह और थोड़ा सी मतलब के पीस के लिए। तो आप लोग मुलाहिजा फरमाएं। ये न्यू स्किन्स हैं कैमरे के लिए, कैमरा स्किन्स डॉग पीके ने मेरे पास सेंड किया है। I'm
हम मॉर्निंग में शूट के लिए आए थे तो मैंने सोचा कि यार आप लोगों को रिव्यू दे दूं स्किन का। भाई प्रीमियम क्वालिटी है, लेकिन चीजें चाहिए इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली जो कटिंग वगैरह है, कुछ जगह से, हर जगह से नहीं। बाकी तो भाई 10 of 9 क्या होता है क्या होता है कुछ अच्छी 9 of 10 अगर आप लोगों को ऑर्डर करने हैं, प्यार और मोहब्बत दिखाना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके प्यार और मोहब्बत दिखाएं। थैंक यू। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मुझे फिक्स 9 बजे पहुंचना है बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस। तो एज अ गेस्ट किसी यूनिवर्सिटी में ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा। मैं अपनी कहानी नहीं सुनाऊंगा क्योंकि एक शायर है आफ्ताब अकबर, उनकी शायरी है कि अपना लिखा मायूब लगे मुझे, वक्त लिखेगा तारुफ में। मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी कहानी खुद आप लोगों को सुनाऊं, आने वाला वक्त आप लोगों को खुद सुनाएगा। बाकी इसके अलावा एक फोटोग्राफर है जान अल बलोची बहरेन के हैं, उसने अपनी कहानी बलोची में शेयर की थी, तो मेरा फर्ज बनता है क्योंकि मैं उससे बाद में काफी इसी चीज़ में इंस्पायर हुआ। जब मैंने 2016 में फोटोग्राफी स्टार्ट की तो मेरे भाई ने, सबसे पहले बड़े भाई ने, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने, सारा क्रेडिट नहीं कोई जाता है लाइफ में हर चीज का। ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये आपको सिर्फ बेसिक सिखाएगा। इंस्टीट्यूट जो होते हैं, जो आपके बड़े होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, वो सिर्फ आपका हाथ पकड़ के आपको एक गली दिखाएंगे, यार ये गली आपकी मंजिल है, आगे इससे आगे मैं नहीं आ रहा। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन हर छोटी सी छोटी चीज में, हर चीज कहाँ मूव हो रही है दुनिया के अंदर, किस वक्त हो रही है। एंड सेकंड प्रैक्टिस। अब एक और जिसकी मिसाल मैं ऐसे अजीम हस्ती से दूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उन्होंने कहा कि छोटा सा काम करें लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से करते रहें, इतना करें बस चलते रहना। आप गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे फिर उठेंगे, फिर आप, हर कम्युनिटी की एक मार्केट होती है, उस मार्केट में आपकी बात चलेगी, यार ये बंदा कंसिस्टेंसी करता है, गिरता है फिर उठता है, गिरते इसको हराएगा कौन, ये तो हार ही नहीं सकता बंदा, ये तो खुद से नहीं हार रहा, क्योंकि इंसान की जो सबसे बड़ी जंग होती है ना, वो अपने आप से होती है। कंसिस्टेंसी रखो, मैं सबको ये कहता हूँ, ये कला फिर पेट भी भरेगी, प्लेट भी भरेगी, सेट भी बनेगा, गेट पे लोग जो स्टेज तक चलेंगे, स्टेक्स आर हाई, वफा के अकीदे बदल गए, वो गलियां बदल गई, वो जीने बदल गए, हम पीने बैठे थे सीने में लेके अब दर्द, वो दर्द भी सीने में पल गए, शरीक तो पी के निकल गए, मेरा जवाब मेरे अमल का है, चुड़ियां चली हैं, जान को खतरा है, दिल के मोहल्ले में हंगामा बरपा है।